मेरी तो इज्जत जानती नहीं है भाई। तेरे से फोटो खिंचवाने के लिए बैठी है लेकिन फोटो खिंचवाने के लिए वही गुस्सा चौड़ी लेके जा रहा हूँ सुबह सुबह 11। कचौड़ियाँ आते ही प्रोसेस स्टार्ट होने लग गई इसके हाथों से भाई। वो तो सबसे पहले इसमें पकड़ ली आते ही हाँ तो फिर मंगाई है तो थोड़ा सबर रखा करो। कचौड़ी क्या लगता है तुम्हें, खाऊंगी मत खाए। ओ गर्मी। चलो भाई फ्री कर लेते हैं इनको, 11 कचौड़ी लेके आया हूँ मैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड मेरा नाम रोहित कुमार, स्वागत है मेरे नए व्लॉग के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। सो अभी हो चुके हैं 10:58 सुबह का और अभी तक कुछ भी नहीं खाया, बस सुबह की जो कचौड़ियाँ लेके आया था ना आपने देखा था वही खाई है अभी तक, और कुछ भी नहीं खाया, ना चावल ना खाना ना कुछ। और भाई अभी नहाया तक नहीं हूँ, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। तो भाई इन सबको फ्री करके तो मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। फ्रेंड्स शाम के बज चुके हैं 6 और दिन में ब्लॉग मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि कुछ रिलेटिव्स आए थे तो मैंने नहीं बनाया और बिजी था इस वजह से नहीं बना पाया अपना जो ब्लॉग। तो भाई आपसे बोल दिया था मैंने गुड मॉर्निंग लेकिन मैं मिला अब हूँ, बोला था आपसे कि थोड़ी देर बाद मिलूँगा लेकिन नहीं, रिलेटिव्स आ गए थे तो इस वजह से थोड़ा बिजी हो गया। क्या मम्मी अभी बना रही है बैंगन टमाटर और ये हमने अभी बनाए हैं मीठे पुए, वो भी छोटे वाले। अब ये पता नहीं ये किस लिए बनाए हैं भाई, खाने लेकिन खाने के लिए बनाए सब चीज़ें, ये जो भी खाने की चीज़ें होती हैं सब खाने के लिए बनती हैं। क्या है बोतल खाली, देखते ही मैडम का गुस्सा फूटा। पे चलते हैं तो भाई कपड़ों की तह बना रही है अभी ये, उसके बाद हम छत पे जाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम लग रहा है मेरे को, बहुत ठंडा वाला। ऐसा मौसम होने के बाद बारिश का सा इंतज़ार रहता है लेकिन नहीं, सारी उम्मीदें टूट जाती है पहले ही। देख पा रहे होंगे यार यहाँ से ही मौसम कितना अच्छा लग रहा है, गेट में से ठंडी ठंडी आवाज़ चल रही है। छत पे चलता हूँ अब सीधा, भागो छत की तरफ, भागो भागो छत की तरफ, यहाँ थोड़ा आराम मिल रहा है यार। हाँ ओहो कितनी प्यारी हवा चल रही है, धीमी धीमी लेकिन ठंडी है, जोर से चले गर्म है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, अभी धीमी चल रही है ठंडी है बहुत फ़ायदा है ना। क्या फायदा है? अच्छा लग रहा है नीचे से। ऐसे क्यों बोल रहा है फिर, अच्छा लग रहा है तो अच्छी फीलिंग के साथ बोल रहा है ना। अच्छी अच्छा ही लग रहा है मुझे। अच्छा ये किसने पटक दिया यहाँ पे नीचे से, जब आराम ऐसा किसी भी मुसीबत से निकल के थोड़ा आराम पड़ता है ना ये किसने डाली तो ऐसे ही बोलता है लोग। ये किसने डाली यहाँ पे मुझे नहीं पता। अच्छी लग रही है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। हेलो गाइस, हेलो गाइस। ओ यार यार ये कितनी ऑसम है यार, देखो धीमे धीमे चल रही है लेकिन बहुत फायदा लग रहा है इस हवा का मुझे। धीमे 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 है ये गाना खाने लगा। ओहो थोड़ी जोर से होने लगी है ना मुझे, हाँ, तो अभी तेज है थोड़ी सी। तो भाई यहाँ आके थोड़ा सा आराम पड़ा है क्योंकि थोड़ा आराम नहीं है मुझे तो अच्छा लग रहा है थोड़ा तो सा, मतलब बहुत आराम। पता नहीं तुम्हें क्या तूफान चाहिए क्या? तूफान नहीं चाहिए मतलब आराम पड़ा है, अच्छी हवा तो चल रही है, अच्छे से बिल्कुल मस्त लग रहा है यार, बहुत ही ज्यादा उमस से हम ऊपर आ गए हैं भाई, अभी नीचे तो पसीने पसीने आ रहे हैं और इतनी गर्मी यार क्या ही बोलूं आपको। कुछ मत बोलो। बेकार है भैया मैं तो टूट गया यार, ये हर वक्त यार मेरी बेइज्जती करने लगी रहती है आपको। भाई कमेंट में आप बस इतना सा बोल दो यार कि भाई की बेइज्जती ना करा करो आप। अच्छा हाँ मतलब ये लोग कहेंगे तो मैं मान जाऊंगी। हाँ मान जाएगी। नहीं मान जाएगी। और वैसे मैं बेइज्जती नहीं कर रही तुम्हारी।
तो क्या कर रही है फिर, इज्जत कर रही है? ये क्या होता है इज्जत, तो मैं जानती नहीं। वाह वाह मेरी तो इज्जत जानती नहीं है भाई। खिंचवाने के लिए बैठती है लेकिन खींच तो दिए मैंने दो तीन, लेकिन मैं ऐसे फोटो नहीं खींच रहा हूँ बस इसका। अरे हेलो, क्या हुआ भाई? फोटो खिंचवाने के लिए वही गुस्सा, देखो फोटो नहीं खींच रहा हूँ तो भाई यहाँ क्यों निकल आई है, गुस्सा फूट गया है मैडम का। हेलो, और ये उसका फोन फेंकने का मन कर रहा है मेरा तुम्हारे हाथों से। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है मेरे। क्या खींच दूँ? फोटो 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 मैं नहीं खींच रहा। मौसम अच्छा है, मौसम अच्छा है तो मौसम के मजे लेंगे हम, फोटो क्यों खींचे? मैं छत पे जा रही हूँ। क्यों जा रही छत पे? छत पे जा रही हूँ। क्यों? तो क्यों? तो ये तो बता, छत पे क्यों जा रही है? कूदेगी। अच्छा तुम तो चाहते ही हो, है ना? ना यार ऐसा कुछ नहीं है। अब ये ब्लॉग पापा देखेंगे। तो पापा तो देखेंगे तो क्या हुआ? तो डांट पड़ेगी। तो मैं तो कूदने की बोला है, तूने हाँ किया ना किया वो तेरे मर्जी के ऊपर है, मैंने तो बोला बस कूदने को। अब मैं ऐसे रिएक्ट करूंगी ना पापा के सामने शाम को, तुम्हें इतनी डांट लगाऊंगी, इतनी डांट लगाऊंगी ना, फिर देख लेना तुम। हाँ यार ऐसा मत करना। नहीं करूंगी फोटो खींचने के ऊपर। ठीक है तो फिर तो यही होगा। ये भगवान क्या जुलूम है। अरे नहीं खींच रहा हूँ, पोज बनाओ। ये क्या बोल रहे हैं? किचक, ये भी वीडियो बन रही है ये। किचक 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 खींच गया, ऐसे ही अच्छा लग रहा है। सैड मोमेंट फोटो। सैड मोमेंट फोटोज पागल सी। तुम मेरे से भी ज्यादा कॉम्बिनेशन अच्छा है। मैं पागल सी हूँ, तुम पागल हो। हाँ तो कॉम्बिनेशन अच्छा है। जो सारी है सैड मोमेंट फोटो देखो। ओहो भाई हमने डिनर ले जा रही है रात का। हाँ ये तो है यार, देखो यार इतनी बड़ी बड़ी चीज हो गई ना ऊपर चढ़ा देते हैं। जो चींटियां होती है ना इनके बराबर मेहनत और एकता कोई नहीं, किसी में नहीं है, कोई नहीं करता। हाँ देखो भाई ये कितनी सारी चींटियां हैं, वो भी एक साथ लेके जा रही हैं। मेरा फोटो शूट नहीं हुआ। फोटो शूट नहीं हुए, शूट करूं? क्या बोला तूने? मैं ही शूट कर दूंगी अगर कोई मोती तो मेरे पास। मैंने क्या, मैंने ये बोला फोटो शूट करूं, ठीक है वो थोड़ा शॉर्ट में बोल दिया मैंने कि शूट करूं। हाँ यस पोज किचक। चलो मैं कर देता हूँ तेरे फोटो। क्या कैसे तेरा रोना बंद हो जाता है? तो ठीक है अब ना कभी भी रोया करी तो कैमरा चालू स्टार्ट। ठीक है स्टार्ट करो, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कैमरे से। तो फोटो तो खिंचवा ले अब। मैडम मैं बहुत अच्छी फोटो खींचता हूँ, एक फोटो खिंचवा लो। फोटोग्राफर यार अब आ जा यार, क्यों वहीं बैठी रहेगी? यार क्या हुआ? आऊँ मैं वहाँ पे तो भाई, चलो लेके आता हूँ इसको। यार बोल रही है कि पास में आना है तब लेके आ जाना। आ जाओ खड़े हो जाओ,
एक हाथ से उठा दूंगा मैं तुझे, ठीक है ना? हाँ भाई, आप देखो, आप ओरिजिनल कलर, ऐसा कलर है आसमान का। अभी देखो, अब अच्छा दिख रहा है, ऐसा है भाई। ओ भाई, मक्के आ गए। मैडम वहीं से चिल्ला रही है, देखो वहीं से चिल्ला रही है कि मक्के ले लो, मक्के ले लो। भाई मक्के ले रही है मम्मी आज, बहुत दिनों में है, फर्स्ट वाली मक्के खाएंगे इस वाली सीजन में हम। तो गाइस, 11:14 हो चुके हैं रात के, और आपके मन में चल रहा होगा कि ये मैंने क्यों ओढ़ रखा है। ये मैंने इसलिए ओढ़ रखा है भाई क्योंकि गर्मी ना आए और गर्मी ना चिपके मेरे शरीर से, इस वजह से ये मैंने ओढ़ रखा है। गर्मी ये रोक लेगा इसको, मतलब गर्मी को ये रोक लेगा अच्छी तरह से, इसी वजह से मैंने ये ओढ़ रखा है। और आप भी कोशिश कर सकते हो अच्छी तरह से, और कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी आपको। भाई नहीं लगेगी यार, गर्मी आएगी नहीं ना मेरे पास, तो भाई ज़्यादा कुछ नहीं, बस करता हूँ अपने ब्लॉग का एंड, एंड मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, एंड एंजॉय योर लाइफ विद माय डेली ब्लॉग, और आप कोशिश कर सकते हो ऐसे गर्मी रोकने की।